दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको और वीडियो दिखाना चाहता हूँ और उसी टॉपिक पे ये पूरी वीडियो आगे बढ़ेगी। डिवाइडर के बाहर मेरे अपार्टमेंट के जस्ट आगे ये घटना लखनऊ की गोमती नगर की है और पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट नेट पे कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी पूरी सहायता करेगी। उन्होंने भेजा पुलिस, 10 मिनट में आई, लेकिन जल्दी आने के अलावा उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया और मेरी कोई सहायता नहीं की और वो चले गए। और फिर मैंने गूगल से सर्च करके एक एनजीओ से कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने डॉक्टर भेजा और उसने पट्टी वट्टी बांधी चेंज की। उसने कहा कि अगर इसी हालत में छोड़ दिया तो पट्टी बंधी हुई हालत में तो और नुकसान करता है, तो मैं फिर आके चेंज करूँगा और इसे ले जाऊँगा, तो उनका यही काम है तो कर लेंगे। मेरी ये सब तब बहुत क्रेज में चलाया था, लेकिन अब जब ग्राउंड लेवल पे चीज़ें जनता फेस करती है तो दिखता है क्या यहाँ गाय लावारिस पड़ी है, वहाँ कूड़े में से खा रही है, यहाँ चोट लगी है, मक्खी लग रही, मतलब अभी भी स्लॉटर हाउस में कट रहे होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन सरकार ये नहीं समझ रही है कि इनका ऐसे होना दोनों के लिए नुकसानदेह है, एक्चुअली तीन लोगों के लिए, तीन एंटिटीज़ के लिए नुकसानदेह है बहुत अच्छे से। पहला, गायों के लिए कि उनको इतनी तकलीफ़ फेस करनी पड़ती है ना, इतनी गंदगी में रहना पड़ता है, कभी भी कोई टक्कर मार के चला जाता है। दूसरा, उन लोगों के लिए जो रोड पर ट्रैवल करते हैं कारों से बाइक से, आते जाते रहते हैं और बीच में जब भी खड़ी हो जाती है तो जाम लग जाता है, कोई तेज निकल जाता है तो उसको चोट लग जाती है और गाय को भी और आदमी को भी, तो इससे तकलीफ दोनों लोगों को है। तीसरा होगी वो पार्टी, अगर इन सब चीज़ों से आप माहौल बनाते हो कि हमें वोट दे दो वोट दे दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आप वोट लेने के बाद भूल जाते हो कि इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो आपको अगली बार जनता इस मुद्दे पे तो वोट नहीं देगी क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं। कोई मेरा सुझाव माने तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यूपी गवर्नमेंट एक टीम क्रिएट करे जो सिटीज़ में घूम घूम के चप्पे चप्पे पे उन लावारिस या फिर इंजर्ड गायों को, बछड़ों को, इन लोग उठा के ले जाए, इलाज करवाए और गौशालाओं में रखे, अच्छे से ध्यान रखे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा सबके लिए। आप अपनी बातें भी खड़े उतरते हो, गायों का भी इलाज हो जाएगा, सुरक्षा रहेगी और जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं रोड पे तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आजकल खड्डों से ज़्यादा कभी कभी गायें दिख जाती हैं, तो बस इतना ऐसा ही है और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। सरकार से और पुलिस से बहुत नाराज़गी है मेरी, तो मैंने बस इसलिए वीडियो बनाई कि मैं बता दूँ ये चीज़ें हो रही हैं और कोई इसके लिए कुछ कर नहीं रहा। तो बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और कुछ सवाल सुझाव तो आप कमेंट कर सकते हो।